हरियाणा में आज सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। हरियाणा में 2 करोड़ से अधिक मतदाता आज मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। सत्ताधारी दल भाजपा राज्य में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए मैदान में उतरेगी। वहीं कांग्रेस लंबे समय बाद राज्य की सत्ता में वापसी की उम्मीद में है। आप इनेलो, बसपा और जजपा आसपा के उम्मीदवारों की भी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। सुबह 11 बजे तक सभी 90 सीटों पर 22.70% मतदान दर्ज किया गया है। इस बीच तो शाम से भाजपा उम्मीदवार श्रुति चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस बार भी भाजपा की सरकार बनेगी। तो शाम विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी श्रुति चौधरी ने अपनी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहीं मुकाबले में नहीं है और भाजपा की रिकॉर्ड जीत होगी। प्रदेश में भाजपा की लहर चल रही है। सुशासन और ईमानदारी से चलाई गई सरकार की वजह से आज पूरे प्रदेश में भाजपा के प्रति सकारात्मक माहौल है। कोई मुकाबला नहीं है, लोगों को मालूम है धरातल पे क्या काम हुआ है और कौन काम कर सकता है। तो इन चीजों की अब कोई कांग्रेस में अपना जनाधार खो चुके हैं, क्योंकि जमीन पे कुछ नहीं बचा, सिर्फ आपसी लड़ाइयाँ और खोखली बातें और भाषणों से कुछ नहीं होता, जमीन पर काम करना होता है। और यहाँ के लोगों को पता है कि यहाँ पे कितना काम किरण जी के टाइम पे हुआ है और जब मैं एमपी थी कितने काम करे हैं। तो ये सारी चीजें धरातल पे लोगों को। इस बार हरियाणा में दिलचस्प मुकाबला है। राज्य में विधानसभा चुनाव में कुल 1031 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं हरियाणा में 20,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। आप इस बारे में क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। अनुपम शर्मा की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।